Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to EA English. Today we are going to do The Clerk. Oxford Clerk एक दुबला पतला लड़का जो philosophy का logic सीख रहा था, निहायत सादा और गरीब था. हालांकि उस दौर में जो philosopher होते हैं वो ज़्यादातर अमीर लोग होते हैं, यानी जिनका ताल्लुक logical किस्म के knowledge से होता है, दानिशवर होते हैं, वो अमीर कहलाते थे. मगर ये काफ़ी गरीब था, दुनियादार इसमें मत नहीं हुआ करता था. लेट्स गेट स्टार्टेड. अ क्लर्क देयर वाज ऑफ ऑक्सफोर्ड आल्सो दैट एंटोलॉजिक हैड लॉन्ग ईयर अगो. उन ज़ायरीन में ऑक्सफोर्ड क्लर्क था जो काफ़ी अरसा से इल्म लॉजिक यानी लॉजिकल नॉलेज सीख रहा था. हैड लॉन्ग ईयर अगो काफ़ी अरसे से लॉजिक लॉजिकल नॉलेज. As lean was his horse as his rack, उसका घोड़ा उतना ही दुबला पतला था जैसे कि एक औजार होता है, एक रैक की तरह दुबला था. And he was not right fat, I undertake, और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो खुद ज़्यादा हेल्दी नहीं था, सेहतमंद नहीं था. I undertake, मेरे अंदाजे के मुताबिक. But looked haul, यानी हॉलो यानी खोखला नज़र आता था. एंड देयर टू सोबरली, लेकिन वो संचिता था. फुल थ्रेड बियर वॉज हिज ओवर रेस्ट कोट पे, उसके ओवर कोट के ऊपर पहना हुआ छोटा कोट फट कर चीथड़े हो चुका था. फर ही हैड गैदन हिम येट नो बेनिफिट्स, नी वॉज सोबरली फॉर टू हैव ऑफिस, उसे यानी चर्च या किसी दफ्तर की तरफ से कोई वजीफ़ा नहीं मिलता था, और ना ही वो इतना ज़्यादा वर्ल्डली था कि वो कोई ऑफिस बना ले, दफ्तर बना ले. उस दौर में ऑफिस नुमा या किसी इदारे से या चर्च से स्कॉलरशिप मिला करती थी, वजीफ़ा मिला करता था, जो आज के दौर में भी मिलता है उन लोगों के लिए जो क्लरिकल होते हैं, जो पढ़ाकू होते हैं, जो ज़्यादा पढ़ते हैं, जो लॉजिकल नॉलेज पढ़ते हैं, जो फिलॉसफी पढ़ना चाहते हैं. फॉर हिम वॉज लिवर हैव एट हिज बेट ही एट 20 बुक्स क्लैड इन ब्लैक और रेड. उससे जो सबसे अच्छी बात यही थी कि उसके बिस्तर के सरहाने स्याह और सुर्ख जल्दों वाली 20 किताबें हों, बस और कुछ भी ना हो. ऑफ अरिस्टोटल एंड हिज फिलॉसफी, जो कि अरस्तू की और उसके फ़िलासफ़ी की किताबें हों, यानी वो 20 किताबें उसे उसको लगती थी रेड और ब्लैक जल्द में पड़ी हों उसके सरहाने, और दुनिया में उसको कुछ भी ना मिले. देन ड्रॉप्स रिच और फिथेल और गे सटार, बट ऑल बी दैट वाज फिलासफर, बजाय उसके कि उसके पास अमीराना लिबास हो, खूबसूरत सरंगी हो या रबत हो. अगरचे वो एक फ़िलासफ़र था उस दौर में, मगर उसके पास इस तरह की आसाइश और अमीराना किस्म के लिबास पहनना, बन ठन के रहना, इससे ज़्यादा बेहतर था कि वो 20 किताबें स्याह और सुर्ख जल्दों में उसके सराहने पड़ी हों, दैट्स इनफ फॉर हिम. और आखिरी लाइन, बट ऑल बी दैट ही वाज फिलासफ़र, अगरचे वो एक फ़िलासफ़र था, एंड फिलासफ़र उस दौर में अमीर होते हैं. येट हैड ही बट लिटल गोल्ड इन कॉफर, लेकिन उसके संदूक में शायद सोने की कोई चीज़ नहीं थी. अमीर था, अमीर होना चाहिए था, बिकॉज ही वॉज फिलासफर. एट दैट टाइम फिलासफर वर रिच, बट ही वॉज नॉट, बिकॉज अकॉर्डिंग टू जॉफ्रे चॉसर ही सेज देयर वॉज नो नथिंग इन हिज बॉक्स इन हिज कॉफर दैट वॉज लाइक अ गोल्ड. But all that he might of his friend's hand on books and on learning, he it spent. जो कुछ उसे दोस्तों से मिलता वो उसको स्पेंड कर लेता इल्म पर, किताबों पर, लर्निंग के पर्पज़ के लिए. एंड बिस्ली कैन फॉर द सोल प्रे सोल प्रेस, यानी उन रूहों के लिए दुआएं करता. ऑफ हिम दैट यफ हिम वेयर विद टू स्कूल, जो उसे तालीम जारी रखने के लिए financially support किया करते थे. After study took he most cure and most heed,
और वो अपनी तालीम के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता, बहुत ज़्यादा इनहमाक से तवज्जो देता। नॉट टू वर्ड्स बैक ही मोर देन वाज नीड, ये मेरा फेवरेट किस्म का फ़िक्रा है जो जेफरी चौसर ने लिखा है। नॉट वर्ड्स बैक ही मोर देन वाज नीड, ज़रूरत से ज़्यादा एक लफ्ज़ भी ना बोलता। एंड दैट वाज सेड इन फॉर्म एंड रेवरेंस, जो कुछ बोलता नब्बे तुले और बड़े एहतराम से बोलता, रेवरेंस से बोलता। एंड शॉर्ट एंड क्विक एंड फुल ऑफ ही सेंटेंस, उसकी गुफ्तगु मुख्तसर शॉर्ट होती, क्विक जल्दी समझ आने वाली होती। फुल ऑफ हाई सेंटेंस और बहुत आला हाई सेंटेंस, यानी हाई आला पाए की होती थी उसकी एक एक बात, नपे तुले अंदाज में होती थी। स्विनिंग इन मॉरल वर्च्यू वाज ए स्पीच, उसकी तकरीर में इखलाकी खूबियों की तरफ जोर होता। स्विनिंग इन मॉरल वर्च्यू, इखलाकी खूबियों की तरफ जोर देता। एंड ग्लैडली वुड ही लर्न एंड ग्लैडली टीच, बड़ी खुशी से खुद तालीम हासिल करता और ख़ुशी से तालीम देता।